कोरोना केसेस में हो रहे हैं तेजी से इजाफे। एक दिन में आए 3,80,000 नए मामले। 3645 लोग गए मौत की आगोश में। आखिर इस मर्ज की दवा क्या है? आदाब, मैं जिशान शेख और लंतरानी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत सारी सहूलियात की कमी, हुकूमत की बेहिसी के बीच कोरोना केसेस की रफ्तार किसी भी तरह थमने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना केसेस में नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और कल एक बार फिर नए मामलों ने लंबी छलांग लगाई और कोरोना केसेस की तादाद एक ही दिन में 3,80,000 के पार पहुंच गई, जबकि एक ही दिन में 3645 लोगों की मौत भी हुई। अब टोटल केसेस 1,83,00,000 के पार पहुंच गए हैं। लॉकडाउन सख्त पाबंदियों के लगाए जाने के बावजूद कोई जतन काम नहीं आ रहा। खबर है कि महाराष्ट्र में 15 दिनों का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और इसके ताल्लुक से नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। सभी के जहन में पूरी तरह से माउफ हो चुके हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन आखिर आम जिंदगी की क्या गत बनाने पर तुला हुआ है। देश में हर तरफ ऑक्सीजन इंजेक्शन और वैक्सीन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अस्पताल भर चुके हैं मगर इलाज के नाम पर जैसे लोगों की जिंदगियों के साथ मजाक हो रहा है। उनकी जानों को तख्ताए मश्क बना दिया गया है। आखिर इस मर्ज और इस दर्द की दवा क्या है? या सिर्फ लॉकडाउन और सख्त पाबंदियों के नाम पर मासूम आवाम को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, लंतरानी न्यूज़, मुंबई।